एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज मैं आपके साथ में एक बहुत अच्छा DIY शेयर कर रही हूँ और मैं श्योर हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आप लोगों के लिए भी होगा जैसा मेरे लिए था। सो बेसिकली मैं आपके साथ में एक ऐसा फेस वॉश वाला प्रोसेस शेयर कर रही हूँ जो कि आपको एवरी डे मॉर्निंग फॉलो करना है ताकि आपकी स्किन फ्लॉलेस हो। फ्लॉलेस मतलब उसमें कोई भी फ्लॉ ना हो, कोई भी कमी ना हो, किसी भी तरीके के पिंपल, एक्ने, डल स्किन, सन टैन, डार्क स्किन, डेड स्किन, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये सिर्फ एक रेमेडी भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छी है। बस आपको रोज़ मॉर्निंग में इसे लगाना है, इसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले चलिए मैं वो रेमेडी आपको बता देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है फ्रेश एलोवेरा लीफ। आप चाहें तो आप मार्केट से ख़रीदा हुआ एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर रेमेडी के लिए अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल या फ्रेश एलोवेरा लीफ लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैंने क्या किया, इसमें से थोड़ा सा पीस कट कर लिया, लेकिन आप चाहें तो एक साथ ही पूरे पत्ते का जेल निकाल के फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है एक वीडियो में कि आप किस तरीके से एलोवेरा के पत्ते से एलोवेरा जेल निकाल करके फ्रिज में फॉर 1 to 2 वीक आराम से रख सकते हैं बिना स्पॉइल किए, बिना खराब किए। तो आप उस प्रोसेस से भी एलोवेरा जेल बना करके फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश पत्ता काटा है, इसमें से छोटा सा क्यूब ले लिया और ये क्यूब के भी मैंने दो टुकड़े करके, ये जो आपको दो पीसेस दिख रहे हैं, ये कर लिया। अब सबसे पहले हम एलोवेरा के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। एलोवेरा में होता है विटामिन ए, एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और ये बहुत ज़्यादा हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कैरी करता है अपने साथ में। विटामिन ए और विटामिन सी होने की वजह से स्किन में ग्लो, किसी भी तरीके का फाइन लाइंस वाला जो इशू होता है, एजिंग इफेक्ट होता है, उसे क्योर करने में, ड्राई स्किन को क्योर करने के लिए एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, अगेन आपको जो चेहरे में डलनेस वगैरह है उसे हटाने के लिए बहुत अच्छा होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन, किसी भी तरीके की आपके चेहरे पर अगर इरिटेशन हो रखी है तो उसे भी ठीक करने के लिए एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये था हमारा पहला इन्ग्रीडियंट। अब इसके ऊपर ये जो मैं डाल रही हूँ ये है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा मतलब वीट फ्लार। वीट फ्लार एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हर स्किन को सूट करता है। मैं अगर बेसन लेती या कुछ और लेती तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वो सब सूट नहीं करता। गेहूं का आटा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि ड्राई से लेके ऑयली स्किन, सेंसिटिव से लेकर नॉर्मल स्किन, हर कोई बिना किसी सेकेंड थॉट के यूज कर सकता है। अब हम वीट फ्लोर के बेनिफिट्स देख लेते हैं। वीट फ्लोर स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है। अगर आपकी स्किन सन डैमेज्ड है, यानी कि अगर आपको सन टैन हो रखा है, उसे ठीक करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है वीट फ्लोर। स्किन को ब्यूटीफुल बनाता है, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है, जिससे कि आपकी जो फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है वो जाती है, वो ठीक होती है। मतलब एंटी एजिंग के लिए भी वीट फ्लोर बहुत ही अच्छा होता है। एक्ने पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए भी वीट फ्लोर बहुत ही अच्छा होता है। तो बस थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर वीट फ्लोर ले लिया। अब इन दोनों पीसेस से अपने चेहरे को मैं अच्छे से वॉश करूंगी, बहुत अच्छे से। जैसे हम फेस वॉश यूज करते हैं वैसे आपको अपने चेहरे को मसाज करना। मेरे फेस पर कोई मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने बस लिपस्टिक लगाई है, आंखों में भी कुछ नहीं लगाया क्योंकि मुझे आपको मेरी स्किन दिखानी थी। बहुत ही अच्छा, एक हफ्ते तक अगर रोज इसे यूज करेंगे एज फेस वॉश, मॉर्निंग का फेस वॉश, शाम को इसे ना यूज करें एज फेस वॉश, मॉर्निंग के टाइम पर यूज करें, रोज सुबह सोकर उठने के बाद में या जब आप नहाने जाते हैं तो चेहरे को गीला करें और इसे अपने चेहरे पर लगा करके 1 मिनट भी बस अगर आप बस साफ करेंगे, अपने गले को, नेक को साफ कर लें और फिर पानी से आप वॉश कर लें, सिर्फ एक हफ्ते करेंगे, आपको अपने चेहरे पर बहुत अच्छा असर दिखेगा। चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आएगा, आपकी स्किन और यंग लगेगी, जो भी आपके स्किन में फ्लॉज थे वो धीरे धीरे ठीक होंगे। मॉर्निंग में इसे यूज़ करने इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि मॉर्निंग में हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा गंदगी, पोल्यूशन नहीं होता है। हम सोकर उठते हो तो सिर्फ हमारे चेहरे पर थोड़ा बहुत पसीना होता है, थोड़ा बहुत ऑयल होता है और रात में जो हमने नाइट क्रीम लगाई होती है वो होता है। तो उसे हटाने के लिए ये जो हम नेचुरल फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं ये सफिशियंट है, लेकिन अगर आप रात में लगाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं रात में भी इससे अपने चेहरे को साफ कर लूँ, तो वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि रात में हमारे चेहरे पर पोल्यूशन, थोड़ा बहुत मेकअप भी रहता है, डर्ट, हम बाहर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, गंदगी रहती है हमारे स्किन पर, तो उसे क्लीन करने के लिए ये फेस वॉश उतना बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए इसे आप सुबह यूज़ करें। सो ये थी मेरी आज की रेमेडी एंड आई एम श्योर ये आप लोगों को भी बहुत इफेक्टिव लगेगी, बहुत ही अच्छे से असर करेगी आपके स्किन पर।
ट्राई करें इसे, फिर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसी लगी ये जो पर्टिकुलर रेमेडी है ये। सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।